साथियों, आज छत्तीसगढ़ दो दो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी, ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा।